वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। सो इसे हम लिख सकते हैं 8 × 2 to the power x plus 1 को हम लिख सकते हैं 2 to the power x into 2 = 1 plus 2 to the power x। अब हम क्या करते हैं कि 2 to the power x जो है उसे हम एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं। लेट 2 to the power x इज इक्वल टू y। सो ये इक्वेशन चेंज होकर हो जाएगा, देयरफॉर 8 × 2 to the power x इज y, सो y स्क्वायर प्लस 4 × y × 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 plus y। और 8y स्क्वायर यहाँ पे है 4 × 2 दैट इज 8y एंड माइनस y हो जाएगा 7y, सो प्लस 7y − 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम इसे मिडिल टर्म फैक्टराइज कर सकते हैं और 8y स्क्वायर प्लस 8y − y − 1 इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर हम 8y कॉमन लें तो बचेगा y + 1, यहाँ से अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी बचेगा y + 1 इज इक्वल टू 0। और y + 1 × 8y − 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो अब हमें y का दो वैल्यू मिल रहा है, सो दस y + 1 इज इक्वल टू 0 होगा एंड 8y − 1 इज इक्वल टू 0 होगा। और y इज इक्वल टू -1 होगा और y हम लोगों ने लेट किया था 2 to the power x, सो 2 to the power x इज इक्वल टू -1 होगा। सो ये पॉसिबल नहीं है, सो इसे हम इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। अब आते हैं दूसरे वाले में, दैट इज 8y − 1 इज इक्वल टू 0 है और 8y = 1 हो जाएगा और y = 1/8। और y हम लोगों ने लेट किया था 2 to the power x को, सो 2 to the power x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8, जिसे कि हम लिख सकते हैं 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power − 3। सो x का वैल्यू आ रहा है −3 क्योंकि बेस सेम है। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।